नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, अगर आप रेलवे का फॉर्म भरे हैं और अभी से तैयारी में लग गए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको रेलवे में जो जीके जीएस पूछा जाएगा उसमें हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, और आप अगर जीके जीएस पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन में से आप कितना सही करते हैं उसे हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप गेस कीजिए, ए में है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट और सी में है वसा, डी में है विटामिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट बी। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे लार में टाइलिन पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी पूछता है दोस्तों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? टाइलिन। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी कितना प्रतिशत है जो मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 80% हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, उसमें एक और क्वेश्चन बताया था कि मानव शरीर का कितना प्रतिशत रक्त होता है, यानी मानव शरीर के जो वजन वेट होता है उसका कितना प्रतिशत रक्त होता है दोस्तों। तो उसका हमने बताया था 7%। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो कितना होती है? 80% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूरॉन इकाई है, जी हाँ न्यूरॉन है जो किसका इकाई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तंत्रिका उत्तक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है? तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है, आप गेस कीजिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी, जी हाँ अहमदाबाद। नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। पहले इसका सही ऑप्शन गेस कीजिए, सही जवाब गेस कीजिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, इसको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, इन्हीं की स्मृति में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखें कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे, 9 जनवरी को, उन्हीं की स्मृति में 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना? 9 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिशूल है, त्रिशूल क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, त्रिशूल है जो क्या है? तो इसका गेस कीजिए आंसर कि सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, या सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, या एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र। जी हाँ दोस्तों, त्रिशूल देखिए गड़ा कैसे रहता है दोस्तों, त्रिशूल का जो ऊपरा सिरा ऊपर के साइड होता है और नीचे गड़ा रहता है, यानी कि सतह से किधर मार करेगा? हवा में, यानी जमीन से हवा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा, इसका हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा फ्रियॉन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है? दोस्तों देखिए एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम में क्वेश्चन को समझिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एग्जाम में इत्मीनान से आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल नहीं है। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है, नहीं है, आप लोग क्या समझ जाते हैं,
कि है पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल नहीं है यानी कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सरसों। सरसों कौन सा फसल है, तो रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि मूंगफली मक्का और बाजरा ये सभी है जो किसके अंतर्गत आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो ये सरसों है जो रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, और वहाँ पे कॉफ़ी यानी कहवा कहवा की खेती की जाती है। कॉफ़ी इंग्लिश टर्म हो गया दोस्तों, इसका हिंदी कहवा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम नोट में क्लियर कर दिए हैं कि तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में कहवा उगाया जाता है यानी कॉफ़ी उगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी को ही खादर एवं बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अनिसी का ये प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी को दो वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक नवीन जलोढ़, जो नवीन जलोढ़ है उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं, और जो प्राचीन जलोढ़ यानी जो पुराना जलोढ़ है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं दोस्तों। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। और जो जलोढ़ मिट्टी है, जो नवीन जलोढ़ रहेगा उसको खादर मिट्टी कहेंगे, और प्राचीन जलोढ़ रहेगा उसको बांगर मिट्टी कहेंगे। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर जरूर करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।